फ्री ऑटो दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना है, फ्री ऑटो दिए जा रहा है सरकार द्वारा। प्रोसीजर क्या है, सारी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं इस छोटी से वीडियो के अंदर। पहला निवेदन है आपसे, आप चैनल पर नए हैं या है पुराने, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो फ्री में ऑटो कैसे मिल रहे हैं आपको? फ्री में ऑटो ऐसे दिए जा रहे हैं कि अगर आप एक चालक हैं और आपके लाइसेंस बैच है, इलेक्ट्रिक ऑटो गवर्नमेंट द्वारा वितरण किए जा रहे हैं। और वितरण इस प्रकार किए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर ऑटो लेना चाहता है तो पहले तो वह ऑटो अप्लाई कर ले। दिल्ली में 500 ऑटो फ्री में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो फ्री में कैसे मिलेगा ये मैं बता दूँ। ये फ्री में कुछ भी नहीं है, ये जेब से पैसा आपको नहीं जाएगा। और डिटेल्स फ्री वाले हैं, फ्री कैसे ले सकते हैं आप ऑटो ये बता दूँगा आपको। आपको करना है कि आप अपने लाइसेंस या बैच आपका फ्रेश है और अभी तक आपने गाड़ी नहीं ली है या अभी गाड़ी चढ़ी नहीं है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इस ऑटो को। और फ्री में ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई भी डीलर आपके आसपास होता है तो आप जाके उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन या गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं या फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप डीलर द्वारा, या फिर आपको ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी गाड़ी का नाम आती है तो आप किसी भी डीलर से संपर्क कर सकते हैं या फिर बैंक द्वारा कोई भी गाड़ी अप्लाई के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी फ्री में हो जाएगी, पूरी पूरी गाड़ी पे लोन हो जाता है। और लोन होने के लिए आप जब गाड़ी अप्लाई करेंगे, जिस भी कंपनी से आप गाड़ी लेते हैं या किसी शोरूम से गाड़ी लेते हैं किसी भी कंपनी की, तो वो भी आपको लोन करवा कर दे देते हैं। अगर आपको गाड़ी प्राप्त करनी है तो आप जाके जल्दी से आप पहले तो अप्लाई करें अगर आपने गाड़ी लेनी है तो। 500 ऑटो ये आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार द्वारा 500 इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली में वितरण किए जा रहे हैं। जो जो व्यक्ति इस ऑटो को लेना चाहता है तो जल्दी से वो ऑनलाइन अप्लाई कर दे या फिर किसी शोरूम में जाके या उनके उनके यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और उनके द्वारा लोन का जो प्रोसीजर होता है, आप उस गाड़ी को लेने के लिए आप सारा प्रोसीजर कर सकते हैं और गाड़ी को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। खबर सूत्रों की खबर सुना मुताबिक जो खबर आई है कि आपको कुछ ऑटो फ्री दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको पूरी वीडियो वॉच करा देता हूं। जो हमारे पास खबर आई है जो कि अंदर की खबर है कि आपको 500 ऑटो सरकार द्वारा ये दिए जा रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो वॉच करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और मिल सके क्या क्या डिटेल्स हैं। ये सारी जानकारी देंगे शोभरन जी, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं क्या क्या जानकारी है आप लोगों के लिए। जो हमारे साथ शोभरन जी हैं जो कि यूनियन से हैं, आज ये अपडेट दे रहे हैं नई गाड़ी जो दिल्ली में आने वाली है। तो अब बात करें शोभरन जी, कहते हैं आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं चाहे वो ब्राइड से रिलेटेड हो कहीं से, तो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज हम आए हैं, शोभरन जी ने बुलाया हमारे को और बताने के लिए कि नई गाड़ी अब आ रही है। तो आप बात करते हैं शोभरन जी, तो आप जानकारी देते हैं नई गाड़ी में, सर क्या बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम शोभरन सिंह राजपूत है, मैं महाराष्ट्र भारतीय भैया चालक संघ का हूँ और मेरी इच्छा ये है कि दिल्ली के तमाम ऑटो चालक, ऑटो टैक्सी चालक किसी भी संगठन से जुड़े हैं, लेकिन संगठन से जरूर जुड़े और ताज़ा अपडेट जो जानकारी होती है इन भाइयों के माध्यम से जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं इनके माध्यम से आप तक पहुंच सके। और यूनियन से जुड़ने का एक ही फायदा है। और सभी सबसे पहले आपको लेटेस्ट एक खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्दी दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक ऑटो आने वाले हैं। ये अंदर विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि माननीय कमिश्नर साहब के साइन हो चुके हैं और फाइल जो है मिनिस्टर साहब के पास है। बहुत जल्दी सप्ते 15 दिन में ही लगभग ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। जिन लोगों के लाइसेंस बैच खाली है और परेशान है बेचारे, वो लोग अपने लाइसेंस बैच तैयार रखें और एक फोटो अपना फॉर्म अपलोड करें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है। और वरीयता के क्रम में जिनका सीनियरिटी के हिसाब से भारत उत्तर दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, परमिट देती है, इसलिए सभी चालकों से पुनः निवेदन करता हूं कि अथॉरिटी संबंधित अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत मिलें, किसी के बहकावे में ना आए। और यूनियन आपको एक और सलाह देती है कि जो आप इंश्योरेंस कराते हैं वो इंश्योरेंस उन्हीं लोगों से कराएं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब गाड़ी चोरी होती है तो जितने ये यूनियन जितने लोग इंश्योरेंस करते हैं वो कोई गाड़ी नहीं दिला पाएगा। वो सीधे कह देंगे मेरा काम इंश्योरेंस करने का है। मैं आपको वादा करता हूं अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई और इंश्योरेंस किसी यूनियन संगठन के आदमी ने किया है तो मैं ज़रूर आपको नया ऑटो दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए इंश्योरेंस सोच समझ कर करें, हर किसी से ना कराएं। आजकल गली गली में जूता गांठने वाले भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। आपको आप पुनः निवेदन और आग्रह कर रहा हूं कि अपने हितों को देखते हुए इंश्योरेंस ऐसे लोगों से ना करें, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसी के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ सर। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सर, सीएनजी गाड़ी आ रही हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो मैं आपको सर का ये दिखा देता हूँ, ये सर का है भारतीय तिपैया चालक, ये इनका एड्रेस यहाँ मेंशन और नंबर भी है, और जो जो काम करते हैं इन्होंने, काम जो किया उसके ये डिटेल्स रखी हैं। तो मैं आई होप हेल्प कर सोचता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हुई होगी, और गाड़ी के लिए कोई बात करना चाहते हो, कोई भी आपसे बात करनी है सलाह के हेतु, तो आप यहाँ पे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सुवरण जी मिलेंगे। सुवरण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यूवर्स के लिए, आपने छोटी सी जो हेल्प लोगों को बताई कि गाड़ी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।